It's really, it was very, very, it was, it's a very beautiful message. Try to keep yourself within the limit. नहीं तो यही होगा कि सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा. ये बिल्डिंग बना दें, वो बिल्डिंग बना दें, ये कर दें, जो चीज करनी है उसे पूरी नियत से. वरना यही होगा कि बंदा कहे कि मैंने कर भी लिया है और रिजल्ट इज जीरो. कर भी लिया है बट रिजल्ट इज जीरो. तो जो भी करना है, मोमेंट कभी अधूरा काम नहीं करता. मोमेंट के काम है हमेशा प्रोफेशनल. इसलिए उसका असिस्टेंट, उसका हेल्पर, उसका फीडर और प्रोवाइडर खालिक होता है. और मूसा अलैहिस्सलाम के सामने दरिया, पीछे फिरौन की फौज थी, तो साथियों ने कहा था हजरत उनकी बरसी, हजरत उनकी बरसी, सामने क्या है, समुंदर है जी, दरिया नहीं लेंगी, और पीछे क्या है जी, फिरौन का क्या बनेगा. फरमाया इन्नमा या रब्बी, अच्छा इन्नमा या रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है, मेरा सस्टेनर है, मेरा पालने वाला है. मुझे फिर फिरौन के घर ये नहीं कहा था इन्नमा या राज़िकी, रब्बी अगर मुझे फिरौन के घर में पाल सकता है, उसका मतलब क्या हो सकता है. देखो लफ्ज़ मूसा क्या मतलब है, पानी से निकाल, जस्ट क्लैप फॉर हिम प्लीज. कितने मैंने भी उम्र में निकाल मैंने किया, कितने मैंने कुछ छोटा एक्सीडेंट नहीं हुआ, कितने मैंने भी हो और जरा सड़िया नहीं. तो जब फिरौन को पता है वो बड़ा बाबू पता है ना, पानी में बह जा रहे थे और फिरौन के बाहर में पहुंचे, तो आज के अलैहिस्सलाम ने निकाल लिया उनकी जो खातमा थी. तो ख्वातीन को जब पता लगा कि कुछ बच्चे पानी में बह गया जी, उसे निकाला गया पानी से और वो कितने मैंने और छोड़ना नहीं, पानी चुपट गया और पानी पानी से और उन वेद फरमानी पे जेड़ा पानी जो गए उससे आपका नाम पड़ा मूसा. ईसा का मतलब सेवियर, बचाने वाला. पर फिर सॉरी बात दूसरी तरफ.